बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जुमेरात है, रबी अव्वल दी 28 कत्ते दी 21 ते नवंबर दी 4 तारीख। ए रेडियो पाकिस्तान है, फरहमतु खबरां सुनो। एलान खास खास खबरां दा खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि गरीबां दे फायदे लई एहसास प्रोग्राम दे तहत मुल्क 260 अरब रुपए दे मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी ने। ने कहा है कि 120 अरब रुपए दे रियायती पैकेज नाल गरीबां दियां मुश्किलां घट होणगियां। हाउसिंग दे वजीर ने कहा है कि मियांवाकी दे जंगलात नाल सूबे दे मुख्तलिफ हिस्सों च आउण वाली नस्लां नूं सेहतमंद माहौल देण च मदद मिलेगी। हुण तुसीं पूरियां खबरां सुणो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 करोड़ टबरां लई आम इस्तेमाल दियां शेवां उत्ते 120 अरब रुपए दे तारीखी पैकेज दा ऐलान कीता है। कौम नाल अपने खिताब विच उन्हां कहा कि पैकेज उत्ते वफाकी ते सूबाई हुकूमतां रल के काम करनगियां। उन्हां कहा कि इस रियायती पैकेज दे तहत 3 शेवां घ्यो आटे ते दालां उत्ते 30% रियायत दित्ती गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि एहसास प्रोग्राम के जरिए 2 करोड़ टबरां नूं 260 अरब रुपए दिते जा रहे ने। वज़ीर आज़म का कहना सी कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए माशरे के जरूरतमंद तबके नूं 14 अरब रुपए दिते गए ने। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों नूं सेहत कार्ड दिते गए ने, जबकि इस्लामाबाद के लोगों नूं यह सहूलत इस साल दिसंबर तक दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब की आबादी नूं आउंदे साल मार्च तक यह सहूलत दे दी जाएगी। इतलावा ते नशरियात दे वफाकी वजीर फवाद हुसैन चौधरी ने कहा है कि 2 करोड़ खानदाना लई 120 अरब रुपए दे वड्डे इमदादी पैकेज नाल गरीबां दियां मुश्किलां घट जाणगियां। ओ वजीर आजम वालों ऐलान किए पैकेज उत्ते तबसरा कर रहे सन। उन्होंने कहा कि 40 लाख मुस्तहक खानदाना लई सूद तो पाक कर्ज की स्कीम नाल उन्होंने घर बनाने च मदद मिलेगी ते खानदान दे एक बंदे नूं हुनर सिखाना भी एक चंगी कार्रवाई है। वफाकी वजीर का कहना सी कि दुनिया भर खाण पीण दियां शेवां 50% महंगियां होईयां ने, जबकि पाकिस्तान विच शेवां सिर्फ 9% महंगियां होईयां ने। खजाने दे मुशीर शौकत तरीन ने कहा है कि पाकिस्तान कल्ला ही महंगाई का सामना नहीं कर रहा, बल्कि पूरी दुनिया नूं इहदा सामना है। प्राइवेट मीडिया नाल गल्लां करदिआं होईआं उन्होंने कहा कि हुकूमत महंगाई नूं घट करन लई कोशिशां कर रही है ते वज़ीर आज़म इमरान खान 30,000 तों घट कमाण वालिआं लई रियायती पैकेज का ऐलान करनगे। उन्होंने कहा कि मुल्क पेट्रोलियम की मसनुआत दी कीमत भारत बंगलादेश तो घट ने। मुशीर का कहना सी कि हकूमत ने पेट्रोलियम लेवी विच पिछले साल 6 महीने च कमी की है। खजाने बारे मुशीर शौकत तरीन ने सस्ता बाजार के जरिए लोगों को सस्तियां शेवां देने उत्ते पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद के इंतजामिया की तारीफ की है। वह कीमतों की निगरानी करने वाली कौमी कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे सन। उन्होंने दूजिया सूबाई हुकूमतों नूं आख्या कि वह इस तरह के इंतजाम करन तां जे सारे मुल्क च आम इस्तेमाल दियां शेवां लोगों नूं सस्तियां दित्तियां जा सकन। मुशीर ने सिंध हुकूमत दे नुमाइंदे नूं आख्या कि वह सरकारी कीमत उत्ते कणक दी रोजाना दी बुनियाद उत्ते जारी करन नूं यकीनी बनाउण तां जे कीमतां उत्ते दबाव दूर हो सके। उन्हां गन्ने दी कीमत वी तय करन दी हिदायत दित्ती। मुशीर ने पंजाब दे चीफ सैकटरी नूं आख्या कि वह खैबर पख्तूनख्वा नूं खंड देवे तां जे उत्थे कीमतां काबू च रखियां जा सकन। इतलावां ते नशरियात दे वज़ीर मुमलकत फरूख हबीब ने कहा है कि हुकूमत दियां जबरदस्त ते अवाम दोस्त पॉलिसियां दी वजह तों दुनिया भर च आई महंगाई दा बड़ा घट असर अवाम उत्ते पिया है। एक बयान विच उन्होंने कहा कि अवकवामे मुतहदा दी खुराक ते ज़राअत दी तंजीम दी रिपोर्ट विच दस्सिया गया है कि दुनिया भर च इस वेले डाढ़ी महंगाई है। फरूख हबीब का कहना सी कि सब्जियां ते खाण पीण दियां दूजियां शेवां दियां कीमतां काबू विच रखण लई वफाकी ते सूबाई हुकूमतां रोजाना दी बुनियाद उत्ते कार्रवाईयां कर रहीआं ने। इह खबरां तुसीं रेडियो पाकिस्तान तों सुण रहे हो। कौमी असैंबली दे स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि मुल्क च यकजहती लई मजहबी एका होना बड़ा जरूरी है। वह बादशाही मस्जिद लाहौर दे खतीब ते रोते हलाल कमेटी दे चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद नाल गल्लां कर रहे सन। कौमी असैंबली दे स्पीकर ने कहा कि पहली बारी मौजूदा हुकूमत ने सरकारी तौर उत्ते अशरा रहमतुल्ला आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया है। स्पीकर ने कहा कि रहमतुल्ला आलमीन अथॉरिटी बनाई गई है
जेड़ी आने वाली नस्लों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात बारे दसेगी। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने मुल्क पिछे जे मजहबी एहतजाज के दौरान मुफाहमत का किरदार अदा करने कौमी असम्बली के स्पीकर की तारीफ की। पंजाब में तामीरात के सूबाई वजीर असद खोखर ने मियाँ वाकी जंगल रावलपिंडी बूटा लाया। इस मौके से उन्होंने मीडिया नाल गल्लां करदे होया कहा कि मियाँ वाकी जंगल लाण के काम नाल शहरां च हरियाली वधेगी। उन्होंने दस्या कि रावलपिंडी मियाँ वाकी के कोई भी जंगल बनाए गए ने ते दूजे जिलों च भी इस तरह जंगल बनाए जा रहे ने। उन्होंने कहा कि बूटे लाण नाल ना सिर्फ पंजाब दे सूबे बल्कि आबो हवा चंगी होगी बल्कि आने वाली नस्लों नूं भी सेहतमंद माहौल मिलेगा। पंजाब की सेहत वजीर डॉक्टर यासमीन राशिद की सदारत लाहौर एक इजलास होया। इजलास सूबे डेंगू की सूरत हाल से सफाई दारवाइया का जायजा लिया गया। सालाना तबलीग इजतमा लाहौर के नेड़े रायविंड अज तो शुरू हो गया है। इजतमा दो मरलों च होगा। पहला मरला इतवार तक जारी रहेगा जबकि दूजा मरला इस महीने की 11 से 14 तक होगा। एक बयान डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल ऑपरेशन सैल चौधरी ने सुहेल चौधरी ने दसिया है कि सिक्योरिटी के सारे इंतजाम कर ले गए ने ते 2000 अफसरां ते जवानां नूं तैनात कर दिता गया है। रावलपिंडी आर्ट्स कौंसल सकाफती मेला कराया जाएगा जिदे 4 सूबियां आजाद कश्मीर ते गिलगित बल्तिस्तान दियां सकाफतां दी नुमाइश कीती जाएगी। हुण तक दियां खबरां मुक गईयां। होर खबरां ते तबसरे सुनने लई साडी वैबसाइट radio.gov.pk नाल जुड़े रहो।